वेलकम फ्रेंड, मैं मंतोष और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मंतोष दे में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर अभी तक आपने अपना जॉब कार्ड नहीं बनाया है, मनरेगा जॉब कार्ड नहीं बनवाया है, तो फ्रेंड्स अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आप घर बैठे खुद से अपना मनरेगा जॉब कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, क्या क्या प्रोसेस होने वाला है, सारा डिटेल्स मैं इस वीडियो में आपको बतलाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर को ओपन कर लेने के बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, सर्च बार में आपको टाइप कर देना है उमंग ऐप। आपको उमंग ऐप लिख लेने के बाद आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको उमंग ऐप देखने के लिए मिल जा रहा। तो यहाँ मेरा पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे मेरा ओपन का बटन आ रहा। तो इसको इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको करना क्या है, उमंग ऐप्स को आपको ओपन कर लेना है। तो उमंग ऐप्स को आप जैसे ही ओपन करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है वेलकम टू उमंग। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, रजिस्टर लॉगिन का आपको जो बटन दिख रहा है, ये रजिस्टर लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक कर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है रजिस्टर हेयर। तो यहाँ पे आपको क्लिक करके उमंग ऐप को रजिस्ट्रेशन कर लेना है, यहाँ पे आपको रजिस्टर कर लेना है। तो उमंग ऐप्स में किस तरह से रजिस्टर किया जाता है, इसका वीडियो मैंने पहले से बना रखा है, इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस लिंक पे क्लिक करके वीडियो को देखकर आसानी से उमंग ऐप्स में रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उमंग ऐप्स को रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और एम पिन जो आपने जनरेट किया है उसको डालकर आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप उमंग ऐप में लॉगिन कर चुके हैं। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको नीचे में जो यहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिल जा रहा है ऑल सर्विसेज, आपको इस वाले ऑप्शन पे टच करना है। यहाँ पे आप जैसे ही टच करते हैं, आपके सामने उमंग ऐप्स में जितने सारे सर्विसेज को ऐड की गई है, सारे सर्विस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको जो सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, ये सर्च वाले ऑप्शन पे आपको टच करना है। यहाँ पे आप जैसे ही टच करते हैं, यहाँ पे आपको टाइप करने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको टाइप कर देना है मनरेगा। तो मनरेगा के लिए आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे MGNREGA यहाँ पे आपको टाइप कर देना है, MGNREGA। जैसे आप यहाँ पे टाइप करते हैं, यहाँ पे आपका मनरेगा का जो सर्विस है वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, इस पे आपको टच कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही टच करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो गया है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जा रहा है अप्लाई फॉर जॉब कार्ड। तो आपको करना क्या है, ये अप्लाई फॉर जॉब कार्ड वाले ऑप्शन पे आपको टच करना है। यहाँ पे आप जैसे ही टच करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है अप्लाई फॉर जॉब कार्ड। तो यहाँ पे आपसे आपका कुछ जनरल डिटेल्स, सामान्य जानकारियां आपसे मांगा जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका राशन कार्ड नंबर, आपका जो राशन कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपका सोशल कैटेगरी, आप कौन से कैटेगरी में है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कैटेगरी में यहाँ पे आपका जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है और अदर है। आप इसमें से जो कैटेगरी में आते हैं वो कैटेगरी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, गार्जियन का नाम। तो यहाँ पे आपका जो गार्जियन का नाम है वो नाम आपको टाइप कर देना है। जैसे कि अगर आप लेडीज हैं तो यहाँ पे डॉक्टर ऑफ, अगर आप जेंट्स हैं तो यहाँ पे सन ऑफ। तो यहाँ पे आपका जो है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे करना क्या, नेम ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली। तो यहाँ पे आपका जो हेड, आपके फैमिली का जो हेड है उसका आपको यहाँ पे नाम फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो एड्रेस है, यहाँ पे एड्रेस आपको यहाँ पे कंप्लीट फिल कर देना। उसके बाद आप कौन से स्टेट में रहते हैं
वो स्टेट आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो आप जो स्टेट में रहते हैं वो स्टेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट को फिल कर देना है, उसके बाद ब्लॉक को फिल कर देना है, और आप कौन से पंचायत में रहते हैं वो पंचायत आपको यहाँ पे फिल कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो विलेज का नाम है वो विलेज का नाम भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको विलेज सिलेक्ट कर लेना है। ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है, ये सारे इन्फॉर्मेशन को सही सही से फिल कर देने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है एप्लीकेंट डिटेल्स। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन को सबमिट कर रहा है, जिसके नाम से इश्यू हो रहा है, उसका यहाँ पे आपको नाम फिल कर देना है। उसके बाद उसका जो जेंडर है वो जेंडर आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि अगर आप मेल है तो मेल को सिलेक्ट करना है, फीमेल है तो फीमेल को सिलेक्ट कर लेना है। फीमेल को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपका जो एज है वो एज आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे डिसेबिलिटी, अगर आप विकलांग है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप विकलांग है तो आपको यस पे क्लिक करना है, अगर आप नहीं है तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। और उसके बाद यूआईडी नंबर, अगर आपका पास यूआईडी नंबर मतलब आधार कार्ड नंबर है तो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको रिलेशनशिप विद द हेड ऑफ फैमिली, आपका फैमिली के साथ क्या रिलेशन है वो रिलेशन आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको करना क्या है, आपका जो एक पास फोटो है वो फोटो को आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है प्लीज अपलोड ओनली जेपीईजी फाइल, आपका जो फोटो है वो जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए और जो फोटो का साइज है वो मैक्सिमम 55 KB तक का ही होना चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा कि आप जो फोटो अपलोड कर रहे हैं वो सिर्फ जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए और फोटो का जो साइज है वो 55 KB का ही होना चाहिए। उसके बाद ये सारा जो आपको डिटेल्स है फिल कर देने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है अप्लाई फॉर जॉब कार्ड, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपका मनरेगा जॉब कार्ड का जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और आपको मनरेगा की तरफ से एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा। उस रेफरेंस नंबर को आपको नोट करके रख लेना है ताकि आपको उस रेफरेंस नंबर के जरिए आप अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पूरी तरह समझ में आ गया है और आप भी आसानी से मनरेगा जॉब कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू।